सेव किए किसी को व्हाट्सएप करने के 5 तरीके। यकीनन इसमें से कोई ना कोई एक तरीका आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो यही है इस वीडियो का टॉपिक, मतलब किसी बंदे को व्हाट्सएप करें वो विदाउट मेरा किसी नंबर सेव किए, मतलब किसी बंदे को आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, और लेकिन सिर्फ टेम्पोरी 1-2 मिनट के लिए सिर्फ 1-2 मैसेज करने हैं, जो कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, उस बंदे का नंबर सेव करना भी नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए बहुत तरीके हैं, उसमें से 4-5 तरीके मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहला तरीका जो है वो आपको सबसे कॉमन तरीका है, कॉमन क्या है, रेयर तरीका, लेकिन सबको वो ऐप सबके मॉल में होता है, तो सबसे आसान तरीका है कह सकते हैं। सबसे पहला तरीका ट्रू कॉलर। सपोज़ मान लीजिए मेरे को आई डी बी आई को मैसेज करना है, मतलब मैसेज करना है विदाउट नंबर सेव किए। तो जैसे कि इनका ये नंबर है, मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हर जगह मैं यूज़ कर सकूँ, क्योंकि 2-3 बार मेरे को यूज़ करना होगा। तो कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं देख सकते हैं उनका वही है, क्या कहते हैं व्हाट्सएप है। तो मेरे को मान लीजिए इनको व्हाट्सएप करना है बिना नंबर सेव किया, अगर मैंने मान लीजिए सेव किया, लेकिन अगर नहीं करता तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ट्रू कॉलर में जाइए, ट्रू कॉलर फर्स्ट पहला तरीका ये। फिर आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा IDBI, आने दीजिए थोड़ा, बस आ गया तब भी IDBI आ गया। फिर आपको नीचे ही व्हाट्सएप का तरीके व्हाट्सएप शो करेगा, व्हाट्सएप आप किसी भी नंबर सर्च करिए, आप यहाँ पे आपको व्हाट्सएप शो करेगा, व्हाट्सएप पक्का शो करेगा। फिर आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में खुल जाएगा, डिफॉल्ट व्हाट्सएप में खुल जाएगा आराम से। फिर आपको जो मैसेज भेजना है यहाँ पे आप भेज सकते हैं आराम से। पहला तरीका तो ये हो गया, ये आपको अच्छा लगा हो तो ये यूज़ कर लीजिएगा। और चलिए बैठते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, नेक्स्ट वे कहिए उसकी तरफ। तो चलिए दूसरा तरीका है, आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, यह लिंक आपको पता होगा ज़्यादातर को। आपको क्या करना है, आपको क्रोम में या किसी वेबसाइट में या कहीं पर भी जाके आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब यहाँ पे आके एक चीज़ को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट क्या करना है आपको दिखा दूँ मैं, जरा एड्रेस में आप ये डाल दीजिए। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर आकर कॉपी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद आपके यहाँ पर फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल दीजिए। जैसे कि मैं क्या कहते हैं IDBI का जो नंबर था मैं वही डाल देता हूँ। आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर की जगह आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है जिसका मैसेज करना है। जैसे कि मैं इनका नंबर लिख देता हूँ, लेकिन आपको याद रखिएगा यहाँ पे जो स्पेस है ये सब नहीं होनी चाहिए। तो मैं वापस यहाँ पे ये सब क्रॉस कर दे रहा हूँ, कट मार दे रहा हूँ, और वापस इस पर जाते हैं। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे ये वापस डिफ़ॉल्ट जैसे पहले खुला था वैसे ही जाके डायरेक्ट खुलेगा आपको व्हाट्सएप में। वेट करते हैं थोड़ा, तो जैसे देख सकते हैं आप ये वो कहता है व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए ये क्लिक करें, चैट करने के लिए टैप करें। हम वापस यहाँ पे टैप करते हैं तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में खुल जाएगा, डिफॉल्ट व्हाट्सएप जो आप खोलना है उसमें खोल सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा तो वापस वहीं पर चला जाएगा, सही से नंबर डालेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये चलते हैं इसमें नेक्स्ट तरीके की ओर, जो भी तीसरा तरीका है टेलीग्राम। टेलीग्राम तो आप लोगों के पास टेलीग्राम होगा, तो टेलीग्राम में कैसे करना है, टेलीग्राम से आपको किसी को मैसेज, तो वैसे बताता हूँ आपको। टेलीग्राम पर क्लिक करना है, टेलीग्राम पर जाइए आप, जैसे टेलीग्राम खोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, आपको एक बॉट सर्च करना है जिसका नाम है सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर मी। आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसका भी लिंक यूज़र नेम मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको जिसको कॉल करनी है, जिसको मैसेज करना है, आप वहाँ पर उसका नंबर पेस्ट कर दीजिए, कर देते हैं आप पे। लेकिन वही वापस की बीच स्पेस नहीं होना चाहिए, और कंट्री कोड लिखा होना चाहिए जैसे मैंने किया। और यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट एक और लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वापस ही चला जाएगा वही डिफ़ॉल्ट जैसे पहले खुला था वैसे खुल गया। आप यहाँ पे फिर से मैसेज भेज सकते हैं। ये हो गए 3 तरीके, अब चलते हैं नेक्स्ट तरीके की ओर। आप लोगों के पास सबने मॉडर्न API का नाम तो सुना ही होगा, तो वैसे GB WhatsApp आप सबके पास होगा, ज़्यादातर के पास होगा, तभी आपको आसानी हो जाएगी इससे। तो जैसे GB WhatsApp मेरे पास भी है, GB WhatsApp कहिए या वो UU WhatsApp कहिए, जितने हैं सब एक ही तरीके के होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा व्हाट्सएप में जाता हूँ मैं, मेरा ये GB WhatsApp ही कह सकते हैं इसे, इस पर जाइए। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है मैसेज अ नंबर पे, यहाँ पे एक हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज अ नंबर शो करेगा। मैसेज अ नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, उस नंबर को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। नहीं, पेस्ट करने से पहले वही सेम चीज़ कि आपको वही चीज़ वापस होना चाहिए कि आपको कहता है कैप्स लॉक, कहता है स्पेस नहीं होना चाहिए, और कंट्री डिजिट होना चाहिए, कंट्री डिजिट कोड होना चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। जैसे +91 डाला और उसके आगे जो कोड है उसके आगे जो है नंबर वापस डाल देते हैं। ये कॉपी करने में दिक्कत होती है, कॉपी करने में आपका ये स्पेस ये भी इंक्लूड हो जाता है,
जो स्पेस की कहीं पे रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो जैसे फिर से मैं इसे करता हूँ, स्पेस को मैं कट करता हूँ फिर से। अब वापस यहाँ पर मैसेज करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो वापस यहाँ पे इसे मैसेज कर सकते हैं आप आराम से, देख सकते हैं ये भी हो गया आराम से। यहाँ पे इस तरीके से भी आप आराम से मैसेज कर सकते हैं बिना किसी नंबर को सेव किए। तो ये हो गए चार तरीके। अब तो लास्ट वो तरीका, इसे मैं आप प्रेफर नहीं करता क्योंकि इतने तरीके बताने के बाद आपको ये तरीका यूज़ करना पड़े तो वो कोई सेंस की बात नहीं है। तो जैसे कि आप कोई सा भी मतलब प्ले स्टोर पर जाइए, कोई सा भी रैंडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्या नाम से WhatsApp without saving, without phone number saving ये आ जाएगा। आप यहाँ पर कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे ये कर लीजिए आपको जो आसान लगे, सब आराम से काम चल जाएंगे। कोई सा भी एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और सबसे आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। बस दिक्कत है सब में APK ऐड होंगे, ऐड होंगे जो आपको अनोइंग ऐड होंगे जो दिक्कत करेंगे आपको बाकी। लेकिन आप तो इससे भी WhatsApp मैसेज कर सकते हैं बिना नंबर सेव किए। तो यही था इस वीडियो में कि आपको मैंने पाँच तरीके बताए जिससे आप किसी बंदे को WhatsApp कर सकते हैं बिना कोई नंबर सेव किए। तो ये आपको इसमें जो भी तरीका अच्छा लगा हो आप उसका यूज़ करिएगा, और अगर हो सके तो कमेंट में शुक्रिया कुछ भी जो आपको फीडबैक हो दीजिएगा। तो यही था इस वीडियो में, आपको अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड जिसको इसकी नीड हो उसको शेयर करिए। आपका टाटा बाय बाय।